ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव लिसनिंग से। बेसिकली हम इसका मतलब पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, और इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम कुछ गाइडलाइंस देखेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है कि एज ए ले मैन लिसनिंग को, लिसनिंग से जब हम लिसनिंग वर्ड यूज़ करते हैं तब हम समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं सुनने की, लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है समझना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि दिमाग से समझना। ओके, सुनने को तो बोलते हैं हियरिंग। अगर आपका किसी बात पे पूरा अटेंशन नहीं है तो हो सकता है वो बात आपके एक कान से आए और दूसरे कान से निकल जाए, ठीक है, उसको हम एक्टिव लिसनिंग तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ किसी से सुनी और आप उसको समझ गए, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, तब हम उसको एक्टिव लिसनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो जो एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग है उसके अंदर हमें पहली बात यही लिखनी है कि हम सुनने को लिसनिंग समझते हैं, ये हमारी गलत फहमी है, ठीक है, क्योंकि सुनने को हम बोलते हैं हियरिंग। तो जो हम कान से सुनते हैं उसको बोलते हैं हियरिंग, और जो हम दिमाग से समझते हैं उसको बोलते हैं लिसनिंग। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख दो, हियरिंग इज थ्रू ईयर्स एंड लिसनिंग इज थ्रू माइंड। पहले पॉइंट में ये लिख दो कि लिसनिंग इज ऑफन एज्यूम्ड एज हियरिंग। तो पहले आपने ये क्लियर कर दिया भाई, गलत फहमी है लोगों को, लिसनिंग इज ऑफन एज्यूम्ड एज हियरिंग, हियरिंग कानों से होती है और लिसनिंग दिमाग से होती है। उसके बाद आप ये लिखोगे लिसनिंग कब कंप्लीट होती है, लिसनिंग तब कंप्लीट होती है जब हमें सामने वाले की बात समझ में आ जाए। ओके, लिसनिंग हैपेंस वेन वी अंडरस्टैंड मैसेज गिवन बाय सेंडर। तो ये बेसिकली अपने को मीनिंग में लिख के आना है, ये तीन सेंटेंस, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। अच्छा, एक ये देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक्टिव लिसनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस और गाइडलाइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो अभी हम टॉपिक 3.4 और 3.5 की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव लिसनिंग। तो आपको ये तीन पॉइंट लिख के आने हैं। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन द बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, वो अभी मैं आपको करवाता हूँ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब आपसे चाहे इम्पॉर्टेंस पूछ ले, सिग्निफिकेंस पूछ ले, दिस बोथ द टर्म्स आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। ओके, तो अभी हम ये फिनिश करते हैं। देखा आपने, इसमें भी सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपके पास गाइडलाइंस में से क्वेश्चन आता है, वो भी सीधा क्वेश्चन है, वॉट आर द गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग। तो गाइडलाइन अभी हम करते हैं। ओके, पहले इसकी इम्पोर्टेंस और देख लो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंडर है अपना मैसेज दे रहे हैं, वो आप मिस कर जाओगे। ओके, इफ यू डोंट लर्न हाउ टू लिसन यू विल मिस What sender is trying to convey. अब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपके प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो,
आपको ये ज़रूरत है कि जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो जिस भी टीचर का, ठीक है, तो वो टीचर की पूरी बात आप ध्यान से सुनो, उसको दिमाग से समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में आप बैठे हो लेकिन दिमाग आपका कहीं और है, किसी मूवी में है या किसी फ्रेंड के साथ कोई बात हुई है उसमें है, ठीक है। तो दिमाग आपका सारा, आपका जितना भी अटेंशन है वो सारा आपकी पढ़ाई में होना चाहिए, जो सामने टीचर आपको सुना रहा है, समझा रहा है, वो समझने में होना चाहिए। ओके, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया? जब आप अप्रोप्रिएट फीडबैक दे पाओगे, जब आपसे पूछते हैं ठीक है समझ गए ना, तो अगर आप हाँ में बोलते हो, एक होता है हाँ, बस बाद में घर पे जाके देखा कि क्या पढ़ा था, वो एक्टिव लिसनिंग नहीं हुआ, वो गलत हुआ, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट फीडबैक और रिस्पॉन्स देने की जब आप पोजिशन में हो, तब आप समझो कि आप समझ गए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं, इफ़ यू डोंट लर्न हाउ टू लिसन, तो फिर आप अप्रोप्रिएट फीडबैक या रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाओगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो दो बातें होंगी, एक बात ये कि जो सेंडर बता रहा है वो आप समझ नहीं पाओगे, ना ही आप कोई अप्रोप्रिएट फीडबैक या रिस्पॉन्स दे पाओगे। अब ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये तो बेसिक्स हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ और पॉइंट्स आउटलाइन करना चाहूँ तो वो इस तरीके से हो सकते हैं, अदर रीजंस। तो एक अपना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इम्प्लॉयज़ कंपनी के पूरी बात समझेंगे तभी तो जो कंपनी करवाना चाहती है काम वो इम्प्लॉयज़ करेंगे, ठीक है। सो इट हेल्प्स कंपनी टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव या मिशन। ओके, फिर इंडिविजुअल्स के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है? अब जैसे हम इंडिविजुअल हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे लिए एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे ठीक से तो हम CA बनेंगे। ओके, CA बनेंगे, उसके बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा? हमारा प्रमोशन तब होगा जब हम कंपनी में अच्छा काम करेंगे, जो हमें हमारे बॉस ने काम दिया वो काम हम प्रॉपरली करेंगे। अगर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपरली एक्टिव लिसनिंग के थ्रू ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम उसको एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो एक्टिव लिसनिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, CA बन जाएंगे, उसके बाद हमें अपनी जो अपडेट्स आते रहते हैं, लीगल अपडेट्स, उसके लिए हम हमारे कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं, वहाँ पे भी हम जाके उन सेमिनार्स को अटेंड करेंगे तब, ताकि हम अपने आप को अप टू डेट रख सकें। ओके, वहाँ भी आपके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर तरीके से आपको अपने करियर में ग्रोथ अचीव करने के लिए यू हैव टू बी ऑलवेज एक्टिव। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया अपना अचीव ग्रोथ इन करियर। ओके, और क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके जो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में अपडेटेड रहो, ठीक है। लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जब आप अपडेटेड रहोगे तभी आपको पता लगेगा ना कि आपको क्या काम करना है, तभी आप अपना जो काम है CA का वो अच्छे से कर पाओगे। अब आप 2017 में बैठ के 2014 की टैक्स की बुक तो नहीं उठा सकते, आपको करंट ईयर का जो टैक्सेशन के रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। ओके, तो ये जो आप लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग, तो ये क्या है? ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प टू डू योर जॉब वेल। ओके,
तो जब आप काम अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका आपके क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपका जो आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, आपके क्लाइंट्स को आपके बॉस को आपके ऊपर और ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो तभी वो आपको आगे और काम देंगे। ओके, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो अगर अपने पास क्वेश्चन आता है जैसा भी हमने यहाँ देखा था, व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव लिसनिंग, स्टेट द इम्पोर्टेंस या सिर्फ आई सिग्निफिकेंस, अगर सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो इतना लिख दो, लेकिन अगर आपसे व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग भी पूछा जाए तो पहले आप 3 लाइन में ये बताओ कि लिसनिंग को हम हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं विद द टर्म हियरिंग। हियरिंग होता है दरअसल सिर्फ सुनना कानों से, लिसनिंग होता है दिमाग से सुनना। लिसनिंग कब होता है, जब हम सामने वाले की पूरी बात को समझ जाते हैं और उसको एक फीडबैक देने की पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, अब हम एक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस देखेंगे। इसमें दो मूल बातें हैं, पहली ये कि अगर हम अटेंटिव नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे सुनते टाइम, तो हम कुछ जो सामने वाला कह रहा है वो मिस कर जाएंगे और सामने वाले को कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कुछ और रीजंस एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कंपनी में लोग कंपनी का काम ठीक से कर पाए तो कंपनी अपना जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कर पाएगी। और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को अपने करियर में ग्रोथ मिले। ओके, वो अपडेटेड रहे, अपडेटेड रहेंगे तभी वो अपनी जॉब अच्छे से कर पाएंगे। ओके, और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, एक बार नोट्स में देख लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग का पहले मतलब हो गया, मैंने आपको कहा था 3 पॉइंट। पहले आपको ये बताना है कि लिसनिंग इज़ ऑफन एज्यूम टू बी नेचुरल ट्रेट, बट व्हाट वी रेगुलर डू इज हियरिंग नॉट लिसनिंग। ओके, यहाँ मैंने आपको क्या कहा था, लिसनिंग इज ऑफन एज्यूम्ड एज हियरिंग, चाहे तो आप यहाँ लिख लो, लिसनिंग ऑफन assumed as hearing। अब यहाँ पे hearing is through ear, listening is through mind, ये मैंने आपको बता ही दिया था। थर्ड था, listening happen when we understand message given by sender, listening happen when receiver understand the message as intended by sender, meaning finish। अब significance, if you don't learn active listening या how to listen, you will miss what sender is trying to convey। तो ये रहा पहला point, if one does not learn how to listen, a great deal of what people are trying to tell you would be missed। ठीक है, ये तो था आपका पहला point। दूसरा, appropriate feedback और response भी possible नहीं होगा, also the appropriate feedback response would not be possible। ठीक है, तो ये पहले हमने दो मूल बातें बताई, उसके बाद हम रीज़न बताना चालू करेंगे। और क्या रीजन्स हो सकते हैं, पहला ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट इट्स मिशन। फिर इंडिविजुअल के पॉइंट से, मैंने आपको ग्रॉसली 3 बातें बताई थी, वैसे 4 बातें हैं, उसमें थर्ड और फोर्थ आपका कंबाइंड ही है पॉइंट, कि जब आप अपडेटेड रहेंगे तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने काम में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला था अचीव ग्रोथ इन करियर, ठीक है, ग्रोथ इन करियर इंडिविजुअल की तरफ से पहला पॉइंट। दूसरा और तीसरा कंबाइंड है, इट हेल्प टू लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपडेटेड रहोगे तभी डूइंग देयर जॉब वेल, तभी वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर पाओगे टू डू योर जॉब वेल। ओके, और आपका लास्ट है हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो इतना सा आपका आंसर है, 4 मार्क का आएगा, तो आप लिख के आ सकते हैं अब इजीली, कुछ भी आपको वेगली नहीं लिखना आंसर,
सब कुछ आपका स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली ही प्रेजेंट किया हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको यही लिख के आना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग।